हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनोज लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज ना मैं जल्दी जल्दी उठ गई थी तो मैं वॉक के लिए निकल गई तो मुझे सूरज, उगता हुआ सूरज देखने को मिल गया। और साथ ही साथ देखिए मुझे क्या क्या देखने को मिल गया। मैं आज बहुत लकी हूँ कि मतलब मुझे मोर देखने को मिल गए। उगता सूरज देखना मतलब अपनी ज़िंदगी में एक नए दिन को शामिल करना, और नए दिन को शामिल करने के साथ साथ मैं आज बहुत लकी थी तो मुझे मोर भी दिख गए। यहाँ पे बहुत मोर घूमते हैं, यहाँ थोड़ा फॉरेस्ट एरिया है। बस अब मेरा वॉक कंप्लीट हो गया, मैं घर जा रही हूँ। आज ना फ्रेंड्स, मैं आलू का पराठा बनाऊँगी और कुछ अलग तरीके से बनाऊँगी। आलू का पराठा का स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगा। और ये देखिए, मैं ना तैयारी करके ही गई थी, आलू को कट करके पानी में डिप करके गई थी ताकि काले ना हो। अब मैं कढ़ाई रख दूंगी गैस पर। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे और उसमें थोड़ा सा, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा तेल डालना है। और इसको अच्छे से कढ़ाई को, मतलब तेल को यहाँ इधर उधर कढ़ाई में स्प्रेड कर दीजिए और अच्छे से कढ़ाई को गर्म होने दीजिए, फिर आप आलू को डालिए। तो फिर अच्छे से अगर कढ़ाई गर्म होगी ना तो आलू डालेंगे तो आलू कढ़ाई पे चिपकेंगे नहीं। और ये देखिए, मैंने आलू डाल दिए और इसको अच्छे से हिला रही हूँ। और इसमें मैं नमक भी डाल दूँगी थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालना है और इसको ढक के पका लेना है बिल्कुल। फ्रेंड्स, ये जो आलू की स्टफिंग है ना, आप ऐसे अगर आलू का पराठा बनाते हो तो कभी भी आलू जो है ना गलने वाले नहीं है। आप बहुत टाइम हम लोग आलू का पराठा बनाते हैं, जो आलू उबाल के आलू का स्टफिंग तैयार करते हैं, उसमें क्या होता है, आलू का स्टफिंग थोड़ी देर में ही गीला गीला और नरम सा होने लग जाता है। आलू के पराठे में जब हम स्टफिंग भरते हैं, बेलते टाइम हमें बहुत दिक्कत होती है। तो आप इस तरीके से अगर बनाएंगे ना तो आपका आलू का पराठा ना कभी टूटेगा और ना ही आपकी स्टफिंग कभी गीली होने वाली है, ढीली होने वाली है। और ये देखिए, मेरे आलू पक गए और मैं ना इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल रही हूँ, गरम मसाला नहीं, किचन किंग मसाला एवरेस्ट का। और ये पक चुका है बहुत अच्छे से। अब मैंने इसको अलग बाउल में निकाल लिया और इसमें कसूरी मेथी, नमक और प्याज जो बारीक बारीक काट के रखे थे मैंने, वो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, बहुत अच्छे से मैश कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसका डो बना लूँगी। बस स्टफिंग तैयार हो जाएगी मेरी। ये देखिए, मैंने स्टफिंग तैयार कर ली और ये देखिए ये कितना टाइट है। ये बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला है, बल्कि आप इसको रख दोगे ना 10-15 मिनट के लिए तो ये और टाइट हो जाएगा, ढीला नहीं होने वाला। और ये देखिए, मैंने जो आटे की लोई है वो कितनी सी ली है, बिल्कुल रोटी के बराबर की आटे की लोई ली है मैंने। आप जैसे आलू का पराठा हम लोग बनाने जाते हैं तो बड़े बड़े लोई लेनी पड़ती है, इसमें आपको बड़ी लोई लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप रोटी के साइज़ की लोई लें, बहुत अच्छे से पराठा बनेगा। ये देखिए, मैंने जो है रोटी अच्छे से बेल ली थी और उसको बीच में से कट कर रही हूँ और इसमें घी लगा लूँगी, बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी घी को। ये देखिए, अच्छे से स्प्रेड कर देना है तो फिर ना पराठे में अलग अलग लेयर जमेगी और पराठा कहीं से कच्चा नहीं रहेगा। और मतलब कि ये देखिए, मैंने फिर आलू की स्टफिंग ले ली और इसको अच्छे से फैला लूँगी, सिर्फ कॉर्नर वाले पोर्शन पे, मतलब ट्रायंगल शेप पे ही इसको फैलाना है। ये देखिए कैसे मैं फैला रही हूँ, मैं क्लोज करके इसको बहुत अच्छे से आपको दिखा रही हूँ कि इसको कैसे करना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। और ये देखिए, इस तरीके से आप आलू की लेयरिंग कर लें, ये देखिए। और बस इसको ना आप मतलब ऐसे फोल्ड कर लें एक के ऊपर एक, ट्रायंगल शेप में, ये देखिए। तो इसमें क्या ना, जो आलू की स्टफिंग भी कवर हो जाती है और जो पराठे की 2-3 अलग अलग लेयर जम जाती है। तो आप जैसे पराठा तोड़ते हो ना, उसकी अलग अलग लेयरिंग अलग अलग निकलती है और एकदम पतली पतली इतनी अच्छी लगती है ना, कोई नहीं बोलेगा अब आपको कि पराठा मोटा रह गया, कच्चा रह गया, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला। मैं ऐसे ही पराठा बनाती हूँ, अगर आलू का जो भी तरीके का पराठा होगा, जिसका आलू का पराठा हो या मूली का पराठा हो, कोई भी पराठा आप बना रहे हो, इसी तरीके से स्टफिंग फिल करें, आपका पराठा कभी टूटने वाला भी नहीं है और मोटी लेयर भी नहीं जमने वाली, बहुत पतले पतले पराठे बनने वाले हैं। और ये देखिए कितना पतला लेयर दिख रहा है ना आपको, अंदर से पूरी स्टफिंग दिख रही है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप पराठा बनाएंगे ना तो कभी भी पराठा मोटा और कच्चा नहीं रहेगा, बहुत अच्छा बनेगा। और ये देखिए, मैं इसको पलट पलट के इसमें घी डाल के
हल्का घी डाल रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही, और हल्का हल्का घी डाल के बस दोनों साइड पलट पलट के इसको सेक लूँगी। ये देखिए, ऐसे ही मैं सारे पराठे एक एक करके सेक लूँगी। ये देखिए, ये मैंने इसको अच्छे से सेक लिया है। देखा, ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल बहुत टेस्टी बनता है और लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। आप तो जिसको खिलाओगे ये पराठा, वो बहुत इम्प्रेस होने वाला है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और मैंने लंच बॉक्स भी बस इधर रख ही दिया है। आज शॉबी को, रायमा को उसके पापा ने तैयार कर दिया है, तो मैं थोड़ा सा इत्मीनान से टिफ़िन बना रही हूँ। और ये देखिए, मैंने जो है एप्पल भी कट कर लिया, और उसके बीच में से सारा सीड वगैरह सारा निकाल के अच्छे से एप्पल को ऐसे उल्टा करके मैं टिफ़िन में रख दूँगी। उल्टा करके रखने से क्या होता है ना, एप्पल काला, मतलब अंदर से फ्रूट्स काटने के बाद कैसे हो जाते हैं, काले काले से हो जाते हैं ना, तो ये हल्का सा तो रेड सा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मतलब बच्चे अच्छे से खा लेंगे उसको। और ये देखिए, मैंने इसमें ना थोड़ा सा आलू भुर्जी भी रख दिया है, उनको थोड़ा अलग सा भी लगेगा। तो ये मेरी टिफ़िन तैयार हो गई है। और उधर मैंने शौबिक को बोला था कि बेटा पानी की बॉटल में पानी भर लो, तो उसने पानी की बॉटल में पानी भी भर दिया, तो थोड़ा सा काम मेरा सा उसने इजी कर दिया। और मैं इधर दूध भी मैंने रख दिया था गैस पे, तो वो साथ ही साथ वो भी गर्म हो गया था, तो मैं उसमें थोड़ा सा शक्कर हॉर्लिक्स वगैरह डाल के अच्छे से शेक करके बच्चों को दे दूँगी। पी लो जल्दी। ये देखिए, शॉबिक भी मेरा, उसने दूध पी लिया। चलो 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 शॉपिंग के लो। मैं रायमा की पानी की बोतल नहीं लाए ना, ये लो। रायमा उठ जाओ बेटा, चलो चलो। बस अब मेरे बच्चे दोनों बैठ गए हैं। देखिए, शॉपिंग बाय कर रहा है और चले गए, बस निकल गई है। अब मैं भी घर जाऊंगी, बाकी का आगे का काम करूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।